बाग में है जहाँ पे रिसर्च का सबसे ज़्यादा पब्लिक देखा जा रहा है, सड़के हैं जो अलीबाग के पास हम करीब 2 से 3 किलोमीटर हम अलीबाग बीच से थोड़े पहले आए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ जो ट्रक है वो पलट गया है। इसके अलावा पूरे रास्ते में जो है, चाहे वो इस ओर जाएँ चाहे वो तभी मुंबई की ओर जाएँ, दोनों तरफ के जो बड़े बड़े पेड़ थे वो कई पेड़ हैं जो गिर चुके हैं। हालांकि जेसीबी जो है वो कई जगह आपको दिख जाएगी, जो कि अलग अलग एजेंसियों की है, चाहे वो NDRF की हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस की हो, फायर ब्रिगेड की हो, जो भी एजेंसी जिस वक्त यहाँ पे राहत और बचाव के काम में लगी हुई है, वो हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो डैमेज है, जो नुकसान है, उसको कम से कम किया जा सके। हालांकि अभी तक एक व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि हुई है, अभी तक किसी व्यक्ति की मौत की जो है खबर वो जो है फिलहाल नहीं है, और ये एक हम कह सकते हैं सुकूनदायक चीज है कि अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है। हालांकि डैमेज बहुत हुआ है, मसलन आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए जो बिजली के खंभे हैं यहाँ पे, बिजली के जो तार हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, आगे से वो पूरी तरीके से गिर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने पहले ही सारे पूरे क्षेत्र का जो है पहले ही टेम्पररी सस्पेंड किया हुआ है, वो उड़ चुके हैं। कुल मिलाकर जो डैमेज है वो कई जगह यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। हालांकि कितना क्षति हुई है ये तो अभी जो है जब पूरा तूफान थम जाएगा उसके बाद ही इसका आकलन किया जा सकेगा। मुंबई से और महाराष्ट्र से मैं योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार के लिए।